क्लास फर्स्ट। तो बच्चों आज हम आपको कराएंगे वर्ड मीनिंग। आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे अपनी नोटबुक में। पनपना फूलना और फलना, गूंजना प्रतिध्वनि होना, अशुद्ध गंदी, बहुत अधिक खूब, स्वर आवाज, निगलना खा जाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नों के उत्तर बताइए। कविता में क्या लगाने की बात की गई है? कविता में वृक्ष लगाने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर खा, ज़्यादा वृक्ष लगाने से क्या क्या लाभ होते होंगे? ज़्यादा वृक्ष लगाने से अशुद्ध हवा कम होगी और स्वच्छ हवा हमें मिलेगी। क्वेश्चन नंबर, उचित विकल्प चुनिए। घर घर में किनके स्वर गूंजेंगे? चिड़ियों के, मछलियों के, तितलियों के? तो क्वेश्चन नंबर का आपका आंसर है चिड़ियों के। तो आंसर फर्स्ट चिड़ियों के राइट आंसर है। हरे भरे पेड़ों से सजकर धरती कैसी हो जाएगी? हरे भरे पेड़ों से सजकर धरती सुंदर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न। बच्चों आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखने हैं। हरियाली कैसे बढ़ाई जा सकती है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हरियाली कैसे बढ़ाई जा सकती है? आंसर, वृक्ष लगाने से हरियाली बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर खा, बादल के बरसने पे क्या पाएंगे? बादल के बरसने पर हम क्या पाएंगे? तो बादल के बरसने पर हम फल फूल पाएंगे। गा नंबर, यह धरती सुंदर कैसे बनेगी? पेड़ पौधे लगाने से धरती सुंदर बनेगी। एक बार फिर से रिपीट करा दें। वर्ड मीनिंग आप पहले लिखेंगे, पनपना फूलना फलना, गूंजना प्रतिध्वनित होना, अशुद्ध गंदी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओरल क्वेश्चन, कविता में क्या लगाने की बात की गई है? आंसर, कविता में वृक्ष लगाने की बात की गई है। खा नंबर, ज़्यादा वृक्ष लगाने से क्या क्या लाभ होंगे? ज़्यादा वृक्ष लगाने से फल फूल और शुद्ध हवा मिलेगी। उचित विकल्प चुनिए। तो का नंबर, घर घर में किनके स्वर गूंजेंगे? आंसर, चिड़ियों के। हरे भरे पेड़ों से सजकर धरती कैसी हो जाएगी? सुंदर। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हरियाली कैसे बढ़ाई जा सकती है? वृक्षों को लगाकर हरियाली बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर खा, बादल के बरसने पर हम क्या पाएंगे? आंसर, बादल के बरसने पर हम फल और फूल और नई खुशी पाएंगे। यह धरती सुंदर कैसे बनेगी? यह धरती सुंदर वृक्ष लगाने से बनेगी। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे ये वीडियो वॉच करेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे और इसका उचित विकल्प चुनकर भी हमको लिखकर सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक।